गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाला चैप्टर, और यहाँ हम कैरेक्टर्स भी पढ़ रहे थे जो सेकंड डिवीजन है यूमाइकोटा। इसके जो बचे हुए तीन सब डिवीजन्स हैं, पांच सब डिवीजन्स हैं इनके, तो उनमें दो हम पहले पढ़ चुके हैं और पहला डिवीजन भी हम पढ़ चुके हैं मिक्सोमाइकोटा, और इस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरा डिवीजन है यूमाइकोटा, इसके जो बचे हुए तीन सब डिवीजन्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहले दो हम पढ़ चुके हैं। देखिए जो तीसरा सब डिवीजन है उसका नाम है एस्कोमाइकोटिना, और इसकी छह क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है हेमी एस्कोमाइसिटीज। इसमें क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एस्काई कहलाती है इसकी, और ये नेकेड होती है, इसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसके ऊपर एक कवर जिसे एस्को कार्प कहा जाता है ये प्रेजेंट नहीं होती है, और एस्को जीनस हाइफा भी जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसके आसपास प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी जो क्लास है लोक्यूल एस्कोमाइसिटीज, इसमें जो एस्काई है वो बाई ट्रूनिकेट है, यानी दो लेयर्स प्रेजेंट है, दो लेयर से मिलकर एक लेयर बनी है, तो बाई ट्रूनिकेट है, बाई ट्रूनिकेट मतलब दो लेयर्स है उसकी। तीसरी जो क्लास है लैक्टोमाइसिटीज, इसमें क्या है, इसकी जो एस्काई है वो यूनिट्रूनिकेट है, यानी एक ही लेयर है उसके चारों तरफ, एस्काई यानी प्रोटीन बॉडी। फोर्थ क्लास है लेब्यूल मैग्नोमाइसिटी, इसमें क्या है, जो एस्काई है ये यूनिट्रूनिकेट है, पर ये इसके जो मेंबर्स हैं इस क्लास के वो एक्सोपैरासाइट है, और एक्सोपैरासाइट किसके ऊपर है, आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। एक्सोपैरासाइट का मतलब है कि उनकी बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी की बाह्य संरचना, बाह्य जो सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, वहां पे डेवलप होते हैं आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर, इसलिए एक्सोपैरासाइट है। पांचवी क्लास है पायरोनोमासिटी, इसमें जो इसकी एस्काई है ये यूनिट्यूनिकेट है, एक लेयर वाली है, पर इसमें यूनिट्यूनिकेट लेयर के ऊपर एक पोर या फिर एक स्लिट, पोर मतलब कि एक छिद्र या फिर स्लिट यानी कि दरार प्रेजेंट होती है। चलिए छठी जो क्लास है डिस्कोमाइसिटीज, इसमें भी जो एस्काई है वो यूनिट्यूनिकेट होती है, और इसमें एपिकल पोर प्रेजेंट होता है, स्लिट नहीं होती, सिर्फ पोर प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो फोर्थ नंबर का सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना, इसकी तीन क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है टीडियोमाइसिटीज, इसमें क्या है कि जो इसके बेसिडियो कार्प हैं, जैसे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, बेसिडियो कार्प, तो जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसे बेसिडियो कार्प कहा जा रहा है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उनका नाम है टीडियो स्पोर्स, और ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रुप कहलाता है क्या, सोराई, और ये या तो ग्रुप में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर होस्ट टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए अब जो अगली क्लास है सेकंड क्लास जो है उसका नाम है हाइमेनोमाइसिटीज, यहाँ पर भी जो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियो कार्प है, और यहाँ पर बेसिडियो कार्प के जो बेसिडिया बनने वाले हैं वो चारों तरफ एक लेयर के थ्रू कवर्ड रहते हैं, जिसे हाइमेनियम कहा जाता है, इसलिए इस क्लास को हाइमेनोमाइसिटीज कहा जाता है। थर्ड क्लास है गैस्ट्रियोमाइसिटीज, गैस्ट्रियोमाइसिटीज में भी जो बेसिडियो कार्प है यानी फ्रूटिंग बॉडी वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर भी जो बेसिडिया है वो हाइमेनियम के अंदर कवर्ड रहते हैं, बेसिडियो कार्प के अंदर, और जो बेसिडिया है इसके अंदर जो बनने वाले वो एसेप्टेट है, यानी उनमें पार्टीशन प्रेजेंट नहीं होता है उनके स्ट्रक्चर में। तो ये बात करी है हमने फोर्थ सब डिविजन की बेसिडियोमाइकोटिना। फिफ्थ सब डिविजन की हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये फंजाई इम्परफेक्टा ही कहलाती है, इस क्लास के सब डिविजन के जो मेंबर्स हैं फंजाई इम्परफेक्टा ही कहलाते हैं। इनमें तीन क्लासेस अवेलेबल हैं, पहली क्लास है ब्लास्टोमाइसिटीज, यहाँ पर ट्रू माइसीलियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी नो ट्रू माइसीलियम इज अवेलेबल, यहाँ पर जो बडिंग है सेल्स की वो अवेलेबल होती है, या तो एक स्ट्रक्चर बनता है माइसीलियम से स्टार्टिंग में जिसे प्रो माइसीलियम कहा जाता है, या तो वो बनता है या फिर नहीं बनता, तो बडिंग यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी पर विद या फिर विदाउट द प्रोमाइसिलियम इसकी अवेलेबिलिटी होती है बढ़ेगी। दूसरी जो क्लास है हाइपोमाइसिटीज, ये भी माइसिलियम है, यहाँ पर ट्रू माइसिलियम का प्रोडक्शन होता है, ट्रू माइसिलियम बनता है, पर यहाँ पर ये जो माइसिलियम है ये स्टेराइल हो सकता है या फिर इस माइसिलियम के ऊपर एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो सकता है। अब देखिए ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं या तो ये डायरेक्टली इस माइसिलियम के हाइफा पर बन सकते हैं या फिर हाइफा से ऊपर की तरफ एक और ब्रांचेस डेवलप हो सकती हैं इन स्पोर्स को बनाने के लिए, जिन्हें कोनिडियो फोर्स कहा जाता है, ये जो स्पोर्स होते हैं ना कोनिडिया कहते हैं फंजाई के अंदर, तो इन फंजाई को अपने ऊपर डेवलप करवा
करवाने के लिए हाइफा से ऊपर कोंडिलियो 4 डेवलप होते हैं, कोंडिलियो 4 के ऊपर ये स्पोर्स यानी कोंडिलिया डेवलप हो जाता है। चलिए जो क्लास थर्ड है वो है सीरोमाइसिटीज। सीरोमाइसिटीज में भी 2 माइसीडियम की अवेलेबिलिटी है और यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर जिसे कहा जाता है पिक्रीडियम। तो यहाँ हमने डिस्कस किया जो हमारा सेकेंड डिवीजन था जिसका नाम था यूमाइकोटा। इसके सारे सब डिविजन्स भी हमने पढ़ लिए, 5 सब डिविजन्स थे और उनकी क्लासेस भी हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।